ये वो घर है जिस घर में सीमा हैदर और सचिन मीणा रहते हैं। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? सीमा जी कहाँ है? यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं पता। सचिन के भाई लगातार गुस्सा रहे हैं और दरवाजा खोल नहीं रहते। अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। नहीं, जेल तो आप भी जाएंगे फिर, क्योंकि आपका घर है, आपने पनाह दी है, वो यहीं पे है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में इन दिनों एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका के रिश्तों की नई कथा लिखी जा रही है। सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर दिन रात सुर्खियों में बनी हुई। सीमा और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहस चल रही है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर ने पति बदल दिया, नाम, देश, धर्म और खान पान भी बदल दिया। पाकिस्तान से आई सीमा के बदलते रूप लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में खुलकर अपनी प्रेम कहानी बताने वाली सीमा और सचिन अचानक अपने घर से गायब हो गए। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में जिस घर में सीमा और सचिन रह रहे थे, अब वो वहां पर नहीं है। न्यूज 18 की टीम जब उनसे बात करने उनके घर गई, तब वो दोनों अपने घर पर नहीं मिले। घर के बाहर खड़े लोग अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। कोई कहता है वो घर पर ही है, तो कोई कहता है अब वो बिना पैसे यानी फ्री में बात नहीं करेंगे। लेकिन कैमरे पर गांव का कोई व्यक्ति बोलने को राजी नहीं होता है। पहले बताया गया कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन फिर घर का दरवाजा अंदर से खुलता है। घर के अंदर कौन कौन मिलता है आप खुद ही देख लीजिए। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इस समय चर्चा में है। हम आए हुए हैं बात करने के लिए सीमा हैदर और सचिन मीणा से, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में। आपको दिखाऊं, ये वो घर है जिस घर में सीमा हैदर और सचिन मीणा रहते हैं। यहां पर कई सारे मीडिया वाले भी आए हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि उनसे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। दरवाजा भी नॉक करके देखा गया, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हमने आसपास पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, कुछ का कहना है कि वो घर पर नहीं है, जबकि कुछ का कहना है कि वो घर पर हैं। और कुछ वक्त पहले ही हमने देखा कि अभी यहाँ पर उनके घर में ये जो नाली है, इस नाली पर भी पानी आया, घर के अंदर से पानी आ रहा है। इसका मतलब घर पर लोग हैं और घर पर कोई भी ताला बंद नहीं है, घर पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। नॉक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कई सारे लोग भी यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर ढूंढ पर है, जिनका कहना है कि वो इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कि उनको अब यहाँ पर कुछ पैसे की डिमांड है, वो फ्री में इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ऐसा यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं। बहुत सारे और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये घर के अंदर मौजूद हैं। इनके बगल में भी एक घर है पड़ोस में, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो घर पर जरूर है, लेकिन अब इंटरव्यू फ्री में नहीं मिलेगा। घर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये दरवाजा है घर का, नाली में लगातार पानी आ रहा है, घर को नॉक किया जा रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। घर के अंदर लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप देखें तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है अंदर। कुछ लोगों का कहना है कि घर में बच्चे हैं, लेकिन बड़े नहीं है, लेकिन यहां पर अब तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखिए, दरवाजा यहां पर जरूर खुला है, घर में बच्चे, देखिए यहां पर दरवाजा फाइनली खुल गया है और हम कोशिश करेंगे। जी, यहां पर हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर कौन है, आपको ले चलते हैं यहां पर। देखिए, यहां पर घर के अंदर ये वो घर है जहां पर मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं, जहां पर सचिन और सीमा होते हैं। बच्चे यहां पर घर पर हैं, लेकिन सचिन और सीमा घर पर नहीं है पूरी तरीके से। घर में हम देखेंगे यहां पर। बेटा मम्मी कहां है? मम्मी कहां है? सीमा जी कहां है? यहां पर नहीं, मुझे नहीं पता। ये चार कौन है? चारों बच्चे। डॉक्टर के पास। तबीयत खराब है, क्या हो गया?
ये कहा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि वो घर पर नहीं है, उनकी उनकी तबीयत खराब है जी। सचिन के घर पर हम मौजूद हैं, सचिन और सीमा इस घर में रहते हैं लेकिन फिलहाल वो इस घर पर मौजूद नहीं है। बच्चे उनके यहाँ पर जरूर हैं जो पाकिस्तान से आए हैं लेकिन यहाँ पर सीमा नहीं है, सचिन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है इस वजह से वो नहीं है, लेकिन ये बात कोई बताने को राजी नहीं है कि वो कहाँ है, ये बात नहीं बता रहे। मैं तो दूर से आया हूँ, कहीं से मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है सर कहाँ है सचिन, मेरे कोई पता नहीं है, मेरे को कोई पता नहीं, जाके पुलिस वालों से पूछो कहाँ, वो बताएंगे कहाँ पे हैं। अरे सर दूसरे घर में कैसे घुस जाओगे आप, ठीक है जी। यहाँ पर कोई बताने को राजी नहीं है कि वो कहाँ पर है, बच्चे जरूर घर के अंदर मौजूद है लेकिन सचिन और सीमा घर पर नहीं। घर पर ना सीमा है ना उसका पति सचिन, लेकिन सीमा के बच्चे घर पर ही। पूछने पर कि वो दोनों कहाँ हैं, जवाब मिलता है बीमार है, डॉक्टर के पास गए। घर पर सचिन के भाई मिलते हैं लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं होते। हमारे साथ सचिन का भाई है और सीमा का देवर सचिन का भाई, अब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये घर में थे, पूरा माहौल बना हुआ था, पूरी मीडिया बाहर खड़ी हुई थी, फिर भी ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। साथ में बच्चे हैं, बच्चों का दरवाज़ा, बच्चे जिस कमरे में बच्चे हैं वो कमरा बंद कर दिया गया है, लाइट टीवी सब कुछ लगातार चल रहा है। हम सचिन के भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या जानते हैं इस बारे में। एक सेकंड, एक बार दिखा दीजिए। सचिन के भाई लगातार गुस्सा रहे हैं और दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। आप बाहर आएंगे दो मिनट के लिए, क्यों बाहर क्यों नहीं आएंगे आप? आप सचिन के कौन से छोटे भाई हैं? तो आप क्या भाभी से अपने मिले हैं आप, सीमा से, सीमा जी से आपने आप मुलाकात हुई आपकी? दो मिनट बाहर आ जाइए, कुछ जाओ, जाओ। क्या दिक्कत क्या है, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? इनकी भी वो है जाए, बाहर फिर हमारी बात खुद को सचिन का चाचा बताने वाले इस शख्स से होती है लेकिन इनके जवाब भी गोल बोल नजर आते हैं। हमारे साथ सचिन के चाचा हैं और हम उनसे जानने चाहेंगे कि ये इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। आपके घर में एक पाकिस्तान से लड़की आती है जिनके साथ वो चार बच्चे अपने साथ ला रही है और सचिन उसे एक्सेप्ट करके अपनी वाइफ बना के घर पे रह रहे हैं, आप इस पे क्या कह रहे हैं? जी देखो सचिन खुद तो बताओ जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं थी, हैं पाकिस्तान चल गए वो खुद आई है, हैं ये बताइए जब पाकिस्तान में वो चार बच्चे उसके भूखे मर रहे थे, पति जब उसका पति कहाँ गया था उस टाइम, हैं तो आपको आपको लगता है कि सचिन वो उन बच्चों को पाल लेंगे, सचिन की भी स्थिति वैसी है? क्यों नहीं पालेंगे, पालेंगे। उस टाइम वो पति आज कह रहा है कि लगा रहा है दास के मेरी पत्नी बाप से, जब पाकिस्तान में खुद भूखमरी पड़ रही है, हैं उस दिन बच्चों को उसने नहीं देखा था कि मेरे बच्चे का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? आप लोग संतुष्ट हैं कि वहाँ से एक लड़के, और जो पब्लिक में बातें चल रही हैं कि वो घुसपैठिए हैं या ISI की एजेंट हैं, जासूस हैं, उसमें देखिए इसमें जांच चल रही है, अगर ISI की जाँच होती है तो इस बात की हमारी, हम कह रहे हैं पूरा, हमने पूरा भारत देश भी इस बात से राजी नहीं है, ISI जाँच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। नहीं जेल तो आप भी जाएंगे फिर, क्योंकि आपका घर है, आपने पनाह दी है। आप सचिन से जब भी पूछा जा रहा था उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो गए नेपाल इलीगली, वो वहाँ से नेपाल से उनको बॉर्डर क्रॉस करा के लाए हैं। आपने एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं जताई कि आप तुम अचानक से क्यों बॉर्डर क्रॉस करके? देखो मैं भारत सरकार से मैं भी दरखास्त कर रहा हूँ, देखो ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मान है कि सब भारतवासी इस बात को जान देंगे, एक दूसरे देश का वो है मामला, ये नहीं देश का मामला है, देश का मामला है, दूसरे देश का ही मामला है, मतलब ये भारत पाकिस्तान का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर वो ISI एजेंट होती हैं या जासूस जैसे मीडिया में चल रहा है, हम इस पे कोई पुष्टि नहीं दे रहे, अगर ऐसा होता तो आपका पूरा परिवार भी इस संकट में आ सकता है। आपके सचिन तो है ही, उनके माता पिता जो आप लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब पे सवाल उठेगा। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, आप लोग तैयार हैं? जांच चल रही है इस बात की, हम मोदी सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि अपनी जांच बरकरार रखें, और जासूस तो ये है नहीं,
इतना पता चार बच्चे लेके साथ आए, कोई ऐसे नहीं है थी चार बच्चे। आज के समय में जासूस और जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता ना, वो कौन बड़े कौन बच्चे, बच्चे भी आजकल उसी में जी जी हो सकते हैं। जी 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 मानने ये तो मानने जो बात हो वो मानी जाएगी, लेकिन जांच चल रही है इसमें, अगर गलत लिखेंगे तो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये हम मैं चाहता हूँ कि आपके ये जो आपके भतीजे लगेंगे तो उनसे एक मिनट आप बात करवा दीजिए उनसे। बेटा वो क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो छोटे भाई है ना, उनको भाभी कैसी लगी, वो एक मिनट बात तो कर ही सकते हैं। अंदर दिखाइए एक बार, अंदर दिखाइए, वो आखिर दिक्कत क्या है बात करने में, हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि आपको अपनी भाभी कैसी लगी, वहां से आई है। सचिन मीणा के घर के बाहर पाकिस्तानी बहू से मिलने वालों का मजमा लगा हुआ है, लोग दूर दूर से सीमा हैदर से मिलने आ रहे हैं। कुछ राजस्थान से आए हुए लोग हैं यहाँ पे जो सचिन और सीमा को आशीर्वाद देने आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की बहू है, हम उससे मिलने आए हैं, अगर चार दिन लगेगा पांच दिन लगेगा तो हम आके उनसे मिल के ही जाएंगे। गाड़ी करके लाए स्कॉर्पियो। आपने ये मान लिया कि ये आपकी बहू है? हाँ हमारी बहू है, लड़का ही बहू है, हम क्या बात है, देश की बहू है। आपको कोई सिक्योरिटी का दिक्कत नहीं लग रहा? आपको एकदम कंफर्म है कि ये लोग सेफ हैं? जो मीडिया में चल रहा है पब्लिक, बहुत से देश के लोग हैं जो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग सही हैं, सीमा को जासूस के तौर से देखा जा रहा है। नहीं है, सीमा जासूस होती तो क्यों आती है? आपको कैसे पता जासूस है? नहीं वो तो अगर ऐसे जब भी कुछ ऐसा कोई बड़ा बड़ी घटना होती है देश में या आतंकवादी हमला होता है तो ऐसे ही लोग कोने में बैठे रहते हैं, स्लीपर सेल आप जानते होंगे, शांति से बैठे रहते हैं और अचानक से बहुत बड़ा धमाका करके निकल जाते हैं। पाकिस्तान के लोग भी सीमा का विरोध कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। घर बेच के क्यों आती है? जब अगर वो धोखा ही करती तो घर मकान को बेच के आइए और वो अलग रूट पे आइए। भाई ये आपको किसने दिखाया, आपको किस कैसे पता चला? देखा ना हमने, आपने मान लिया टीवी पे तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जासूस है। नहीं जासूस नहीं, हमारी आत्मा नहीं मान। आपने ये मान लिया कि वो घर बेच के आई हैं, सब कुछ करके आई हैं, बॉर्डर पार करके आई हैं, प्यार के लिए आई हैं, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि वो जासूस हो सकती हैं? आपके आप मतलब एकदम मानते ही नहीं कि वो जासूस हो सकती? ना ना जासूस नहीं है। आप पड़ोसी गांव से हैं और आपके बगल में ही गांव में ऐसी घटना घट रही है जहां पाकिस्तान से एक महिला आती है तो और वो आपको अपने को बताती है कि वो पबजी खेल के प्यार मोहब्बत में आ गई यहां से, आपको कोई डर नहीं लग रहा? ऐसा कोई बड़ी सिक्योरिटी इशू नहीं लग रही? देखो डर का तो खैर इशू है जब तक हमारी जाँच एजेंसियाँ क्लियर नहीं कर देती हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है वो सही है, तो डर तो उस दिन निकलेगा जिस दिन जाँच एजेंसियाँ अपना क्लियरेंस दे देंगी, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। बहरहाल ये आ गई हैं तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, हमारी एजेंसियां जो जांच एजेंसियां ये कह देंगी भी ये जो बोल रही है वो सही है। आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि सीमा पाकिस्तानी है? वो उनकी बात करने की भाषा और उनको वीडियोस भी ऐसे हैं जिसमें उनको कलमा नहीं आता, मुसलमान धर्म से उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनसे जब भी ऐसा सवाल पूछा गया वो एकदम चुप्पी साध ले रही हैं, कुछ वीडियोस ये भी हैं कि उनके ससुर उनसे बात नहीं करने दे रहे। ऐसा है कि देखो जैसे बताते हैं कि पांचवी पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुझे ये लग रहा है कि भाई पांचवी पास एक लड़की दुबई जाके फिर नेपाल आके फिर वापस जाके फिर आके, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि यार इतनी कम पढ़ी लिखी, इतनी हाई फाई लेवल की और फिर बोलने में इतनी एक्सपर्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह होता है नहीं? नहीं पांचवी पास है, धर्म का अगर एक छोटा सा बच्चा भी होता है, आज के समय में आप देख रहे हैं कि धर्म के एक छोटे से बच्चे को भी अपना हिंदू का गायत्री मंत्र पता है या क्या क्या ग्रंथ हैं हमारे यहाँ सब पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीमा जी को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उनसे जब भी पूछा जा रहा है अगर उनको कलमा आता है क्या आता है तो वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा कि ये इनकी भाषा में कुछ भी चेंज आ रहा है? देखिए संदेह तो खैर है, संदेह तो सभी के मन में है, लेकिन जब हमारी जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं अपना, अभी तक हमें कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि भाई पूरी तरीके से वो सही है। आप कहाँ से आई हो? बैरभोरा। तो सिर्फ इनको देखने के लिए आई हैं सीमा जी? हाँ वैसे मेरा यहाँ पे घर भी है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एक पाकिस्तान से एक लड़की आती है और साथ में रहने लग रही है? अजीब क्या लगेगा भैया, उनके राजी ही वे आ गए और क्या। तो आप भाई जबरदस्ती कोई करिए, दोनों की राजी से ही तो आए, अपनी मर्जी से आई है वो। हर जगह चल रहा है, जो हर जगह बातें चल रही हैं कि ये जासूस हैं पाकिस्तान से, आपको पता है कि भारत का रिश्ता कैसा है और जासूस है, आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। अब जब भैया अपनी राजी से आएंगे तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? नहीं तो अगर ये
कुछ जासूस निकल गए तो फिर उस पर क्या करेंगे? नहीं, हमें तो आप लोग के भी मन में यही शंका होगी कि भाई हमने पहले नहीं पहचाना। नहीं भैया, हमें कुछ नहीं पता, हम तो देखने के लिए आए हैं बस। क्या अम्मा, भाई भैया देखने के लिए ही हम आए हैं, हमने अभी देखी तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा है, जैसे अभी आप बोल रही हैं कि अपनी रजामंदी से आए हैं। हाँ, अपनी रजामंदी से आए दोनों जने, एक तो एक जा ही ना सके। तो आपको पाकिस्तान के बारे में तो पता है ना? अरे बेटा, मैं पाकिस्तान के बारे में मुझे क्या पता, क्यों मैं भारत और पाकिस्तान के बारे में तो पता है ना? मैं भारत के, हमारी दुश्मनी रहती है। हाँ, तो अगर पाकिस्तान से कोई लड़की आ रही है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, सारी सीमाओं को लांग के आर्मी की आंखों में भूल झोंक के, तो आपको उसमें कोई डर नहीं लग रहा? क्योंकि पाकिस्तान देश में जितने भी आतंकी हमले होते हैं या कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान का उसमें ऐसा भाई के हमले तो होते रहते हैं, कभी हमारे कभी अंडा चढ़ जाए तो हमारे, तो कभी उनके, ऐसी दुश्मनी चलती रहे हर समय। लेकिन सीमा हैदर इस वक्त कहाँ है ये किसी को नहीं बताया जा रहा। बार बार पूछने पर अलग अलग जवाब आते हैं। कोई कहता है वो जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती है, तो कोई पड़ोस का दूसरा आदमी आकर कहता है वो पास के ही कृष्णा अस्पताल में एडमिट है। लेकिन इन दोनों की बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। हमारी टीम ने दोनों अस्पतालों में फोन कर कंफर्म किया और जैसा हमें लग रहा था कि इन दोनों की बातों में दम नहीं है, वैसा ही हुआ। हॉस्पिटल ने ऐसे किसी पेशेंट के भर्ती होने की बात खारिज कर दी। सवाल अब भी यही था, आखिर सीमा और सचिन कहाँ हैं? सुबह से शाम होने को आई, लेकिन अब तक दोनों का आता पता नहीं है। सचिन के घर के ठीक बगल में उनके चाचा का घर है। उनसे हमने जब बात की तो उनके जवाब हर बार अलग अलग आए। उनकी बातों से लग रहा था मानो और सीमा और सचिन यही हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। घर के बाहर चर्चा है कि सीमा और सचिन और उसके परिवार वाले कई दिनों से लगातार मीडिया से घिरे होने की वजह से परेशान हैं, ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से सीमा की तबीयत बिगड़ गई। कल जो इसकी स्थिति हुई है ना, क्योंकि 12:10 पर आलू चाहिए हैं घर में, तब जाकर खाना बना हमारा, तब जाकर रोटी हुई है, फिर दो घंटे आराम, नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी लाल आँख पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी गले से बोला नहीं जा रहा उसका बिल्कुल भी। तो नो आज के लिए नो रेस्ट दिया गया है, वो यहीं पे है, आप खत्म करो, वो यहीं पे है। और आपसे बताइए क्या वो 9 बजे से पहले नहीं आएंगे? ये नहीं आएगी, नहीं आएंगी। कहाँ है आप है? बात कर रहे हैं, मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ, वो यहीं पे है इसी गाँव में, और आप लोग इतने देर से टाल भाई साहब, मैं ऐसा ना ऊपर से जो ऐसा होगा, जो थाने से हमें फोन से मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक तो पहले नहीं आएगी, जब तक यहाँ से बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं हो जाएगा नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले, हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो चार आएंगे ना, हो सके किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है कोई पिस्टल लेकर आ गए। पिछले 2 से 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, हम सीमा हैदर के घर के बाहर खड़े हैं, सचिन मीना के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो घर पर नहीं है। हम घर के अंदर भी गए, हमने आपको दिखाया, लेकिन अब तक वो घर में नहीं है। अब तक वो कहाँ गए ये भी कोई बताने को राजी नहीं है। जब हमने लोगों से बात की, किसी का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो किसी अस्पताल में गए हैं, लेकिन किस अस्पताल में गए हैं ये कोई बताने को राजी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने प्रोटेक्शन दी है उन्हें, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता इस वक्त। सीमा हैदर कहाँ है, सचिन मीणा कहाँ है, कोई नहीं जानता है। उनके बच्चे घर पर हैं, ये उनका घर है, उनके चाचा हैं जो क्लेम करते हैं, वो ऊपर देखिए आप छत पर खड़े हुए हैं वो, पर यहाँ पर भीड़ उनके घर के बाहर लगी हुई है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डर का भी माहौल है, ये तक बात कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि भाई सिक्योरिटी के रीजन से इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं है क्या नहीं है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अच्छा खासा वक्त बीत चुका है उनके इंतजार में, लेकिन अब तक सचिन मीना का पता नहीं है, सीमा हैदर का पता नहीं है, उनके बच्चे घर पर जरूर हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं ये अब तक पता नहीं चला है। जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है कहाँ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पंचायत घर पर है, कोई कह रहा है पुलिस के पास है, लेकिन वो सुबह से अब तक यहाँ पर नहीं है ये पूरी तरीके से साफ है। बहरहाल पूरे दिन सचिन सीमा के घर के बाहर रहने के बाद अब हम वहाँ से निकलने लगते हैं। हमें निकलता देख सचिन के चाचा हमारे पास आते हैं और कहते हैं आपको वकील साहब से मिलवाता हूँ। इसके बाद मोटरसाइकिल से एक वकील साहब आते हैं, हम वकील साहब के पीछे चलने लगते हैं। वकील साहब पूछने पर कहते हैं हाँ वो दोनों यही हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए मिलवा दूंगा। अभी 2 मिनट बात करा देंगे, बात तो आप मुझसे कर, आपसे क्या करूँगा सर, आप ना करना तो मुझसे कूद, नहीं आपसे तो जरूरी है इसीलिए तो कूद के आया हूं। बात तो मैं अपनी बात तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप बात तो सुनिए, आप गाड़ी अगर मेरी बात सुनिए, अगर सीमा से बात करनी है तो आप 2 दिन की छुट्टी है हमारी, सैटरडे और संडे, उसी में मेरे साथ रह कर ही आप बात कर सकते हैं। सैटरडे
सैटरडे संडे आज कर लीजिए। आप रहिए ना साथ में। हाँ मैं रहूँगा साथ आज, लेकिन एक मिनट तो रुक जाइए। हाँ एक मिनट, आप आ रहे हैं ना? यहीं पर आगे थोड़े आगे आ जाइए। लेकिन वकील साहब एक शर्त रखते हैं कि इंटरव्यू तभी होगा जब मैं इंटरव्यू में साथ बैठूंगा। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमें उन दोनों से मिलवाइए। इसके बाद वकील साहब हमें 2 मिनट तक रुकने को कहते हैं और सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर एक घर में अंदर चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वो घर से बाहर नहीं आते। सचिन के चाचा से बार बार पूछने पर कि वकील साहब कब आएंगे वो कुछ नहीं बताते। इसके बाद आधे घंटे और इंतजार करने के बाद आखिरकार सचिन के चाचा हमें वकील साहब के पास ले जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सचिन के चाचा हमें सचिन के घर ले जाते हैं और हमें वकील साहब वहाँ बैठे हुए मिलते हैं, जबकि वो सचिन मीणा के घर से 3 घर छोड़कर 1 घर में गए थे, लेकिन उस घर से बिना बाहर आए वो सचिन के घर पहुँच गए। वकील साहब हमसे तसल्ली से बात करते हैं और हमारा आईडी कार्ड देखते हैं। इसके बाद हमें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो मीडिया ने बिल्कुल रुकवा देता, मैं आज कोर्ट में अर्जी लगा के बिल्कुल रुकवा देता, पर मैंने इनसे ये कहा कि जो हमारे ठीक चैनल है उनके लिए लाइव दीजिए आप। मुझे ना बुलाया तुमने आर भारत और आज तक मैं जवाब देता हूँ। आइए सर, आप यहाँ बैठे हैं और जहाँ सेफ रहे, जहाँ सेफ रहे, यहाँ भी सेफ है। अगर आपको दिक्कत ना हो, हमें लाइटिंग जहाँ रहेगी वहाँ देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लाइटिंग ज्यादा रहे वहाँ देंगे तो हमें। अगर आपके लिए सुविधाजनक लाइटिंग है तो यही, नहीं थोड़ा सा और कहीं लाइटिंग है तो उधर ले लेते भैया। हाँ तो उसी वाले घर में लेते हैं। हाँ ये वकील साहब उठते हैं और हमें उस घर की तरफ ले जाने लगते हैं जहां वो पहले गए थे। उस घर में अंदर एक कमरे में घुसते ही हमें सचिन और सीमा लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वकील साहब कहते हैं, सीमा ये कुछ मीडिया वाले हैं, तुमसे 2 मिनट बात करेंगे, आ जाओ। सीमा सचिन के साथ बाहर आती है। हम सीमा से उनका हालचाल पूछते हैं, वो कहती हैं ठीक हूँ भैया। तभी उस घर में मौजूद लोग हमारा विरोध शुरू कर देते हैं और घर से बाहर जाने को कहते हैं, जबकि सीमा को हमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उस घर के लोग हमें बाहर जाने को कहते हैं। हम उनसे सीमा और सचिन से बात करने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। मानो हमारे घर के अंदर सीमा के सामने पहुंच जाने से उन्हें झटका लगा। वो वकील से कहते हैं कि मीडिया को दोबारा घर के अंदर लेकर ना आए। इस तरह से वो हमें इंटरव्यू लेने से मना करते हैं और आखिरकार हम भी उनकी बात और उनकी निजता का पूरा सम्मान करते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। बाद में वकील साहब हमसे तरह तरह की बातें करते हैं। वहां से जाते वक्त जिस घर में सचिन मीणा और सीमा हैदर हमें मिले थे, उस घर को लेकर और उस घर के लोगों को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल मन में यही था कि कल तक पूरी मीडिया के सामने अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाली सीमा हैदर ने अब खुद को पड़ोसी के घर में क्यों कैद कर लिया है।